Next topic is thiazole. थायाजोल में डिस्कस करना है स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ थायाजोल्स। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, योग्य स्ट्रक्चर ऑफ थायाजोल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो पहले याद करेंगे। इसमें होता है C3H3NS, कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 3 और एक नाइट्रोजन और एक सल्फर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना थायाजोल हो गया। तो इसमें यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, सल्फर है। इस टाइप का इसमें क्रीम स्ट्रक्चर होता है। तो ये अपना हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थायाजोल। इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन से 1 एंड सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो क्या करते हैं पे sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है उसको शो करता है। और ये एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो थायाजोल, अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक येलो कलर लिक्विड टाइप होता है। और इसका जो ऑर्डर जो होता है वो पायरिडिन, जो पायरिडिन होता है हमारा वो पायरिडिन के टाइप ही होता है, सेम ऑर्डर पायरिडिन, ठीक है। फिर है ईच रिंग एटम आल्सो कंटेन अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, sp का इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके जो एटम्स जो होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग कार्बन आर 3 ऑफ कार्बन, 1 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 2 ऑफ सल्फर। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, टोटल जो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड सल्फर से क्या आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आके अटैच रहते हैं। दी रेजोनेंस ऑफ 6 फॉलोज दी हकल्स रूल, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस जो पावर होता है थायाजोल का वो कितना होता है, 6 होता है, जिससे ये क्या करता है हकल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है, जिसका थायाजोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C3H3NS, ठीक है। कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 3 होते हैं, नाइट्रोजन 1, सल्फर 1। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 1 नाइट्रोजन एंड 1 सल्फर यहाँ पे हमने शो किया है। अब इसका जो ऑर्डर होता है पायरिडिन लाइक, इसका क्या होता है ऑर्डर होता है पायरिडिन के टाइप ही, इसका भी ऑर्डर होता है। फिर है इसका जो कलर जो होता है वो क्या होता है, एक येलो कलर का एक लिक्विड होता है। ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके जो पूरे जो एटम जो रहते हैं उसमें क्या होता है अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो होता है। और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर होती है, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो तो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 कार्बन है, 1 फ्रॉम नाइट्रोजन, और अपना 1 क्या होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं नाइट्रोजन से, और यहाँ पे है सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता, सल्फर से अपने क्या हो जाते हैं यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दी रेजोनेंस ऑफ 6 2 फॉलोज दी हकल्स रूल, इसका जो रेजोनेंस जो रहता है वो 6 होता है, और ये क्या करता है, जो थायाजोल जो होता है वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थायाजोल कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन ऑफ थायाजोल। फर्स्ट जो है इसमें होता है प्रोटोनेशन, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। सेकंड है इसका एंड एल्काइलेशन, एंड थर्ड है इसमें नाइट्रेशन। ये इसके केमिकल रिएक्शन है थायाजोल के, मतलब जब हम थायाजोल को जब हम मिक्स करते हैं जैसे कि ब्रोमीन के साथ, तो वो क्या हमको क्या प्रिपेयर करके देता है, एक्वस एसिड या यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे प्रोगाम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिथाइल आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद ये रिएक्शन में अपने को क्या प्रिपेयर करके देता है वो सब देखना है। तो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से समझ आ रहा है, प्रोटोन वर्ड से हमको प्रोटॉन का,
प्रोटॉन वर्ड से हमको क्या याद आ रहा है हमारा H+। ठीक है, तो हम सबसे पहले थायराजोल ड्रिंक लेते हैं, थायराजोल लेने के बाद में उसमें एक्वस एसिड और H+ आयन मतलब जो अपना प्रोटॉन है वो ऐड करेंगे। तो ये अपना क्या प्रिपेयर करता है, यहाँ पे N और H आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और एक थायरोजोलियम के टाइम्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें एक्वस एसिड एंड प्रोटॉन ऐड करने से ये थायरोजोलियम के टाइम्स को फॉर्म करता है। अब इसमें क्या होता है, जो अपना नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद जब इसमें केटायन जब आ जाता है तो हाइड्रोजन फिर से क्या करता है, रिमूव हो जाता है। अब सेकंड देखते हैं, ये है एन एल्काइलेशन। तो एन एल्काइलेशन में क्या होता है, इसमें लेते हैं हम थायराजोल देंगे, थायराजोल लेने के बाद इसमें लेंगे हम मिथाइल आयोडाइड को एंड एक्वस एसिड्स को। तो ये फॉर्म करता है एन मिथाइल थायराजोलियम सॉल्ट, थायराजोल इन प्रेजेंट ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड एक्वस एसिड इज फॉर्म्स एन मिथाइल थायराजोलियम सॉल्ट। तो इसमें क्या है, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स जो लोन के अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इसमें सल्फर है और नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन में क्या हो जाएंगे, इसमें केटायन्स फॉर्म हो जाएंगे, तो इसमें प्लस चार्जेस अटैच हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेगा, ये एन मिथाइल थायराजोलियम सॉल्ट को। नेक्स्ट जो है वो अपना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की प्रोसेस में हम इसमें लेते हैं हम 2-aminothiazole को। तो 2-aminothiazole जो होता है वो ब्रोमीन के प्रेजेंस में 65 का टेम्परेचर पे क्या फॉर्म करता है, 2-amino-5-bromothiazole को। तो ये अपना क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ थायराजोल। फर्स्ट था अपना प्रोटोनेशन, सेकंड अपना एन एल्काइलेशन एंड थर्ड है अपना नाइट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, तीनों इम्पोर्टेंट है, इसे हमें लिखना है इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ थायराजोल। नेक्स्ट रिएक्शन इज अ सल्फोनेशन। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन का, जिसमें हम सबसे पहले इसमें थायराजोल लेंगे, थायराजोल इन प्रेजेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250। इसको क्या करेंगे हम, 250 जो है टेम्परेचर पे इसे रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके, फिर ये क्या प्रिपेयर करेगा, थायराजोल एज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जब इसे हीट करेंगे 250 में तो क्या होगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक सल्फर, ठीक है, यहाँ से सल्फर और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने, 1। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, जो OH जो रहेगा, OH जो रहेगा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, HO3NS। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, थायराजोल एस सल्फोनिक एसिड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं मेडिसिनल यूसेज ऑफ थायराजोल। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है क्लोरोमेथी थायराजोल इज यूज एज सिडेटिव हिप्नोटिक। ठीक है, इसे हम सिडेटिव हिप्नोटिक में भी इसे यूज करते हैं थायराजोल को। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन B1, इसे थायमिन में भी यूज करते हैं, विटामिन बी के लिए इसे यूज किया जाता है, थायमिन डिफिशियंसी में यूज होता है। जो थर्ड है इसका यूज है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये H2 रिसेप्टर जो रहता है उसे ब्लॉक करने में भी यूज होता है, जैसे इसमें कुछ ड्रग्स हैं जो थायराजोल के डेरिवेटिव्स होते हैं उसे यूज करते हैं, जैसे हो गया इसमें फॉर्मिटिडिन हो गया, निजोटिडिन हो गया, इन पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, इसे पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसका हमने सबसे पहले देखा था इसका स्ट्रक्चर, सेकंड हमने देखा था इसका सिंथेसिस, थर्ड ये कंप्लीट हो गया था अपना केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हमने देख लिया मेडिसिनल यूजेस। तो इसके मेडिसिनल यूजेस में जैसे कि ये है क्लोरोमेथा थायराजोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ड्रग्स याद कर लेना है कि क्लोरोमेथा थायराजोल को हम यूज करते हैं। सेकंड में तो ऐसा कुछ नहीं, फिर थर्ड में हमें ये इधर याद कर लिया ड्रग्स में वो है फॉर्मिटिडिन का और निजोटिडिन का। तो इसमें याद पता होना चाहिए जो फ्लोरो मेथिल जो जो होता है वो क्या होता है सल्फोनेशन में होता है, सॉरी
ये क्या होता है, थायजोल का एक डेरिवेटिव होता है जिसे हम सिडेटिव हिप्नोटिक के लिए यूज करते हैं, और विटामिन बी बी के लिए इसे यूज किया जाता है। जब थायमिन डिफिशियंसी होती है तो हम इसे थायमिन में यूज करते हैं। फिर S2 रिसेप्टर को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिससे इसे पेप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हैं, जिसमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं इसमें फॉर्मिडीन का और निजोटीडीन का। तो ये आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर वाला यहाँ पे, या फिर यहाँ पे H1 रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स है उसमें ड्रग्स में आ जाएंगे, तो आपको इसमें टिक लगाना पड़ेगा, तो ये याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है अपना क्लोरोमेथायाजोल जो है यहाँ पे, तो वो किसके लिए यूज होता है, सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि थायाजोल कैसे, कौन से डेरिवेटिव है जिसमें क्या होता है वो सिडेटिव हिप्नोटिक्स में यूज होता है, तो आपको ये जो है चूज करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पायरिडीन। हमें पायरिडीन का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, केमिस्ट्री एंड यूजेस देखना है। मोस्टली इसमें क्या देखना है, मेडिसिनल यूजेस। तो जो पायरिडीन होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर टेक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। पायरिडीन ऑकर्स इन कोल टार 0.1% एंड इन बोन बोन ऑयल, ठीक है। जब पायरिडीन क्या होता है, कोल टार से भी ये इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो बोन ऑयल रहता है, तो बोन ऑयल का क्या करते हैं, जब इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब बोन ऑयल को जब डिस्टिलेट करते हैं, तो उससे भी क्या प्रिपेयर होता है, हमारा पायरिडीन, ठीक है। तो पायरिडीन अब इस तरह का स्ट्रक्चर, इट इज अ 6 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमने पहले देखा ये 6 मेंबर वाला एक हाइड्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वेयर आर 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाया जाता है, और कार्बन एंड नाइट्रोजन में डी अन हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एसोसिएट टू फॉर्म अ लार्जर पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ये क्या करता है, इसमें जो अनहाइब्रिडाइज जो पाई ऑर्बिटल जो इसमें होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन के, वो एसोसिएट करता है एक लार्ज पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को। फिर हम जैसे कि अब इसके स्ट्रक्चर को जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें अपना है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और यहाँ पे अपना है नाइट्रोजन, ठीक है, और इसमें है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सारे क्या है, ये लोन पेयर्स है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है, लेकिन जब ये sp2 जब ये हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, तो इसमें क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन के जो लोन पेयर्स रहते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन को ये एक फॉर्म करता है, और इस टाइप से एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ठीक है, ये क्या पायरिडीन वाला। फिर क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर रहता है इसे ये यूज नहीं करता, ये क्या करता है, सिर्फ जो कार्बन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं उन्हें यूज नहीं करते, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें याद करना है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 6 यहाँ पे हो गए हैं पाई ऑर्बिटल्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स जो रहते हैं वो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के जो लोन पेयर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे मिल जाते हैं और एक एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो भी फॉर्म करता है वो क्या करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल जब एन जो एन इक्वल क्या होता है 1, 2, 3, 4 जैसे आता है, तो वो अपना क्या होता है, अगर एन इक्वल अगर 1 आया 2 आया 3 4 आया तो वो अपना हकल्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। और हकल्स रूल जो भी फॉलो करता है वो हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, दैट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आर बॉन्ड इन पायरिडीन इज ऑन प्लेन एंड बॉन्ड एंगल आर 120 पाई ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू 6 बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल जो रहता है वो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, होता है 120 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये जो बॉन्ड है ये कितना बनाता है 120 का, और इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं,
अब दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड फ्रॉम दी नाइट्रोजन. नेक्स्ट है पाइरिडीन आल्सो सेटिस्फाई दी हकर्स रूल एंड इट इज एरोमेटिक. जैसे मैंने पहले बताया, एक बार और देख लेते हैं पाइरिडीन का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, केमिकल्स एंड यूजेस. तो अभी इसकी हम लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पाइरिडीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. जो पाइरिडीन जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेन करने वाला एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, अगर हमारे कार्बन के अलावा कोई और भी कंपाउंड अगर रिंग में प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है. इसलिए पाइरिडीन में हमारा क्या, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एक एरोमेटिक सॉरी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ. पाइरिडीन ऑफर से एक पोल तार, ये हमें पोल तार से भी मिलता है, और बोन ऑयल, बोन ऑयल को अगर हम डिस्टिलेट करें तो हमारा क्या बनता है, उससे पाइरिडीन बनता है. अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में भी हमें वही लिखना है, सिक्स, इट इज अ सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स वेयर आर फाइव कार्बन एंड वन नाइट्रोजन इन एसपी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन. इसमें जो फाइव कार्बन होते हैं और जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें क्या होता है, एसपी स्क्वायर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. ये दी अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एसोसिएट टू फॉर्म अ लार्ज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो क्या एक फॉर्म करता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल पाई ऑर्बिटल्स को ये फॉर्म करता है. दैट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन. इसमें एक इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं डीलोकलाइजेशन प्रोसेस के लिए. आर बॉन्ड्स इन पाइरिडीन लाइसिन वन प्लेस, और ये इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 का होता है यहाँ पे जो बना रहा है. फिर है दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड फॉर्मिंग नाइट्रोजन. पाइरिडीन आल्सो सैटिस्फाइज दी हकर्स रूल एंड इट इज एरोमेटिक. इसमें एन इक्वल आ जाता है 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो हकर्स रूल को फॉलो करता है, हकर्स रूल को ये फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है. अब इसमें हम यहाँ पे लोन पेयर्स ले लिए, इसके स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिटेल से देखना चाहते हो तो यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है. तो इसमें जो नाइट्रोजन के जो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये सारे जो होते हैं यहाँ पे एसपी स्क्वायर भी यहाँ पे फॉर्म करते हैं. तो लेकिन जो नाइट्रोजन रहता है वो क्या करता है, वो कार्बन में पार्टिसिपेट करता है, उसका जो लोन पेयर रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, पाइरिडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इसमें यूज नहीं होते हैं. तो ये पी ऑर्बिटल्स हो गए और ये क्या हो गए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए. तो इस टाइप से इसका जो इसका स्ट्रक्चर पार्ट जो है पाइरिडीन का वो हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिंथेसिस, और इसके सिंथेसिस देखना है, और हमें इसका केमिकल रिएक्शन देखना है, और इसके मेडिसिनल यूजेस देखना है.